राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक महत्व की इमारतों के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में जान सके, इसलिए नगर निगम ने मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर पुराने शहर में हेरिटेज रन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के युवा, सामाजिक संगठन, पुलिसकर्मी और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बता दें कि नगर निगम ने हेरिटेज रन के रूट को ऐसा तैयार किया था जिससे शहर की ऐतिहासिक धरोहरों से ये गुजरे, जो कि कमला पार्क से शुरू हुआ और शीतल दास की बगिया, रॉयल हमाम, गौहर महल, मोती मस्जिद, इकबाल मैदान और सदर मंजिल से होकर गुजरी। इस दौरान दौड़ में भाग लेने वालों को ऐतिहासिक विरासतों और इमारतों से परिचय करवाया गया। भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एमपी टूरिज्म के साथ मिलकर यहाँ भोपाल में पहली बार एक गो हेरिटेज रन का आयोजन यहाँ पे किया गया। इसमें दो कैटेगरीज हमने रखे हैं, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। इसमें हेरिटेज कंजर्वेशन का एक एजेंडा, एक मोटिवेशन ड्राइव के रूप में इसको किया गया। इसमें काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स इसमें शामिल हुए थे, एक्स चीफ सेक्रेटरी एंथनी डीसा साहब भी इसमें वो भी पार्टिसिपेट किए हैं। साथ में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आयाम फाउंडेशन है, वहाँ पे भी कुछ डिफरेंटली एबल चिल्ड्रेन हैं, उन्होंने भी इसके लिए हमने एक स्पेशल फ्लैग ऑफ किया है। उसी तरह से लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, इनिशिएटिव है भोपाल प्रशासन का, नगर निगम का और एमबी टूरिज्म का और जितने भी संस्था जुड़ी है सबका। और इसका प्रमुख उद्देश्य हेल्थ से जुड़ा हुआ था, है कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य वर्धन होगा, साथ ही जो भोपाल की जो ऐतिहासिक जो विरासत है उसके विषय में भी संवेदनशीलता हमारे युवा में, हमारे सभी पीढ़ी के लोग, इसमें युवा ही नहीं सभी लोग थे, बच्चे भी थे, तो बच्चे हमारे साथ में है और इसमें सीनियर सिटीजन्स भी थे, तो सभी ने मिलकर एक पूरे जज्बे जोश जुनून के साथ में ये इस फन रन में भाग लिया। और पुलिस प्रशासन, नगर पालिका के जो जितने भी अमला है, स्पोर्ट्स के और जितने भी हमारे SDRF के जवान है, सबने पूरे जज्बे के साथ में इस पूरी दौड़ में भाग लिया और दोनों मकसदों में पूर्ति की।